मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 6 बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दखल करने से इनकार किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से स्वीकार करने से इनकार किया है। इस बारे में जस्टिस पंकज भंडारी की अवकाशकालीन विशेष खंडपीठ ने याचिकाकर्ता हेमंत नाहटा के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया है। वह इससे पहले शनिवार को राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया था। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी ने विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा, लाखन सिंह, दीपचंद, जोगिंदर सिंह अवाना, संदीप कुमार व वाजिब अली को व्हिप जारी कर कहा गया है कि वे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एवं भाजपा के उम्मीदवार को वोट नहीं करें और वे निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट डालें। जयपुर के सवाईमाधोपुर रेल मार्ग पर देवपुरा से चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच बाप बेटी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को देवपुरा रेलवे स्टेशन मास्टर ने पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास 2 शव पड़े होने की सूचना दी। पुलिस ने बताया कि मृतक देव किशन के दत्तक पुत्र आसाराम ने रिपोर्ट दी है कि 2 दिनों पहले उसके मृतक पिता देव किशन और उसकी बहन कालीबाई घर से किसी कार्यक्रम के लिए निकले थे। पुलिस ने बताया कि मृतका कालीबाई का 2 बार विवाह हुआ था, उसका अपने घर वालों से भी झगड़ा चल रहा था। मृतका कालीबाई की पहले हस्तगंज शादी हुई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर जिले के दरगाह थाना क्षेत्र में इलाज के नाम पर एक परिवार से तांत्रिक द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार ने तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए रिपोर्ट दी है कि उनके परिवार में एक सदस्य की तबीयत खराब थी, तभी उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। आरोप है कि तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उनसे लाखों रुपये ऐंठ लिए। तांत्रिक ने उनसे इलाज के बहाने लाखों रुपये के गहने एक पोटली में रखवाए और उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस तांत्रिक की तलाश कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगले 9 महीने में करीब 65,000 पदों पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। अप्रैल से अगले साल फरवरी तक राजस्थान में कुल 16 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। इसमें प्रदेश भर के 70 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें से 3 भर्ती परीक्षा हो चुकी है, वहीं 13 भर्ती परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इनमें 9,862 पदों पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 18 जून, 295 पदों पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 19 जून, 1,012 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 28, 29 और 30 जून, 5,396 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 9 जुलाई, 35 पदों पर हाउसकीपर भर्ती 9 जुलाई, 189 पदों पर कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती 10 सितंबर, 460 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड एग्जाम 11 सितंबर, 5,126 पदों पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड एग्जाम 25 सितंबर, 87 पदों पर वनपाल भर्ती परीक्षा 6 नवंबर, 1,041 पदों पर वन रक्षक भर्ती 12 एवं 13 नवंबर, CET ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दिसंबर, 40,500 पदों के लिए रीट भर्ती जनवरी 2023, CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 फरवरी में आयोजित की जाएगी। कॉलेज आयुक्तालय ने तबादलों के लिए आवेदन मांगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा में 15 जून तक तबादलों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पदस्थापित सहायक सह आचार्य व्याख्याता अशैक्षणिक क्रामिकों के लिए यह आवेदन मांगे गए हैं। तबादले के लिए आवेदन SSO ID के माध्यम से करना होगा। वहीं सोसाइटी अधीन नए सृजित और संचालित कॉलेजों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जयपुर जिले के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के बिनाड़ गांव में कुत्तों को पैसे देकर मरवाया गया। आरोप है कि आवारा कुत्तों ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने वाले शख्स के घर में बंदी बकरी को काटा था। इससे वो शख्स गुस्से में आ गया और उसने कथित तौर पर 3 बेजुबानों को मारने की सुपारी दे दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि बिनाड़ गांव में बावरिया गिरोह के सदस्यों ने टोपीदार बंदूक से छर्रे मारकर 3 श्वानों को मार दिया। पुलिस ने 3 श्वानों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय भिजवाया। शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो ग्रामीणों ने सुवालाल पर बावरिया गिरोह के सदस्यों से श्वानों की हत्या करने के आरोप लगाए। पुलिस सुवालाल से पूछताछ कर रही है। वहीं श्वानों की हत्या करने वाले बदमाशों की तलाश जारी है।
कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में नगर के पुराने बाजार में बंदूक की नोक पर बुजुर्ग दंपति से लूटपाट करने का मामला सामने आया है। कथित तौर पर बदमाश नकाबपोश थे और जाते वक्त घर में रखे 20,000 रुपए और घर में मौजूद कुछ जेवरात लूट कर ले गए। जानकारी के अनुसार लूट के 30 मिनट बाद बमुश्किल वो पड़ोसियों को सूचना दे पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति महेंद्र जैन और उनकी पत्नी पुराने बाजार स्थित अपने मकान में रहते हैं। दंपति के 2 बेटे और 2 बाहर ही रहते हैं। पुलिस के मुताबिक 3 नकाबपोश बंदूक की नोक पर मकान में घुसे और बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और मकान से 20,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि जिला जेल से 3 कैदी फरार हो गए हैं। कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी राजेश कुमार मीना ने बताया कि 3 कैदी फरार हुए हैं। इनको पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। बांसवाड़ा जिला जेल में विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है जिनके मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं। जो 3 कैदी फरार हुए हैं उनमें से एक परमेश और दूसरा कमलेश है जो पाटन थाना क्षेत्र के हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। तीसरा आरोपी प्रवीण पाटन का है जो कि चोरी के मामले में जेल में भेजा गया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इससे शराब की कीमतों में 30-40% की गिरावट हो सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने शराब कारोबार से 9,647.85 करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य रखा है जो पिछले साल के मुकाबले 40% अधिक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2022-23 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि शराब के रेट कम होने के कारण पड़ोसी राज्यों से तस्करी नहीं होगी। हालांकि तस्करी को रोकने के लिए 2 अतिरिक्त बटालियन कर आबकारी विभाग को सौंप दी है। सरकार ने अंग्रेजी शराब पर लगने वाले आबकारी ड्यूटी को 350% से घटाकर 150% कर दिया है। देशी शराब पर इसे 250 से कम करके 1% कर दिया गया है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई हाईवे पर ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है जबकि युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को भमरोली गांव के 2 युवक सरनाम और हरेंद्र खाद लेने के लिए ट्रैक्टर लेकर गांव से मनिया जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अचानक ट्रैक्टर का पहिया निकल गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में सरनाम की मौत हो गई।